योगी सरकार में मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बयान पर मुजफ्फरनगर से लेकर गाजियाबाद तक त्यागी समाज भड़का हुआ है। आगामी चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव में ऐसी सरकार और सरकार के ऐसे मंत्री को सबक सिखाने की बात भी कही जा रही है। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर त्यागी सभा भवन के अध्यक्ष हरिओम त्यागी ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो जिलों में त्यागी समाज के लोगों को जिला अध्यक्ष नहीं बनाती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय कमेटी में दो त्यागी समाज के लोगों को स्थान नहीं देती है तो त्यागी समाज 2024 में भाजपा का खुलकर विरोध करेगा। भाजपा को हराने के लिए हम किसी भी पार्टी को वोट कर देंगे। त्यागी समाज हमेशा भाजपा को वोट देता है, पर हमेशा से ही भाजपा समाज का वोट लेकर शोषण करती है। भाजपा का खुलकर विरोध किया जाएगा और हम 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने समाज की टीमें गठित कर गांव-गांव जाकर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह पार्टी हमारे समाज के लोगों को जिला अध्यक्ष बनाने से भी परहेज कर रही है। और जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, हम उस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। कुल मिलाकर त्यागी समाज की भाजपा से नाराजगी श्रीकांत त्यागी अनु त्यागी प्रकरण से शुरू हुई थी, जो लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर तो स्वतंत्र देव सिंह के बयान से समाज के लोगों में जबरदस्त आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। खतौली उपचुनाव में त्यागी समाज भाजपा को ताकत व एकजुटता का एहसास करा ही चुका है। ऐसे में भाजपा शीर्ष नेतृत्व हो सकता है कि दो जिलाध्यक्ष त्यागी समाज से बना भी दे, क्योंकि त्यागी समाज की नाराजगी हाई कमान तक पहुंच रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर के चेयरमैन के लिए भाजपा नेता देवव्रत त्यागी का नाम सबसे आगे था, लेकिन पार्टी ने ठाकुर रामनाथ सिंह के नाम पर मोहर लगाई, जिससे भी त्यागी समाज में असंतोष बढ़ा है।